कोरोना काल के बढ़ते केस भिकनगांव नगर में प्रशासन के लिए चिंताजनक हो गया है। कोरोना ने नगर में पैर पसार दिया है, जिसको देखते हुए तहसीलदार देवकुंवर सोलंकी द्वारा नगर के बालक छात्रावास में 50 बेड कोविड केयर सेंटर की तैयारी की गई, जिसमें कोरोना की लहर को बढ़ने और कोरोना पेशेंट को सही इलाज और देखरेख में रखा जाए। वहीं कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन बहुत सख्त है। प्रशासन कोरोना पेशेंट को रोकने के लिए हर प्रयास कर रही है। तहसीलदार देवकुंवर सोलंकी और नायब तहसीलदार ममता मिमरोट, SDOP प्रवीण कुमार उइके ने निरीक्षण किया। वहीं पुलिस थाना प्रभारी जगदीश गोयल द्वारा दिन भर नगर में निरीक्षण किया गया। रोको टोको अभियान के तहत पुलिस प्रशासन व नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा मास्क को लेकर समझाइश दी गई। वहीं मेन रोड पर टीकाकरण केंद्र बनाया, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल में 100 लोगों को टीका लगाया गया। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। निरीक्षण किया है तो क्या पूरा विषय है ये? जैसा कि अभी कोरोना का ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है और मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए एक स्थानीय स्तर पर, अपने अनुभाग स्तर पर कोविड केयर सेंटर के लिए हमने जगह चयनित की है और इसकी तैयारी कर रहे हैं। सर, आज बताया जा रहा है कि 17 कोविड पेशेंट प्राप्त हुए हैं, तो और क्या संभावना बन रही है सर नियंत्रण के संबंध में? अब लगातार प्रयास है कि इतने कोरोना का प्रभाव जो बढ़ रहा है उसको रोकने के प्रयास चल रहे हैं और जागरूक इसके कोविड के टीके भी लगाए जा रहे हैं। 45 से ऊपर के उम्र के जितने भी उम्र के लोगों को टीकाकरण का भी सेंटर है अपने यहाँ, और प्रयास चल रहा है कि इसको रोकने के अधिक से अधिक जो अपन प्रयास करके इसको रोके सर नगर में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।